हेलो एवरीवन, मैं तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मैंने जितने भी अपने वीडियोस अपलोड किए हैं यूट्यूब चैनल पे आपको पसंद आ रहे होंगे, और मेरे जितने भी पोस्ट्स हैं मेरे ब्लॉग पे जिसका एड्रेस है @topperstouch, उसमें भी मैं जितने भी वीडियोज में विषय पे बात कर रही हूँ उसके विषय में उसमें पोस्ट भी करती हूँ। डेली मेरा एक पोस्ट होता है ब्लॉग पे जीके अपडेट करके, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यूजी पीजी के या कंपटीशन की तैयारी करने वाले उनके लिए ये बहुत ही फायदा पहुंचाएगा ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। जितने भी वीडियोस मैं अपने डाल रही हूँ अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब पे और जितने भी मेरे पोस्ट होते हैं मेरे ब्लॉग पे, मैं यहाँ पे ये प्रयास जरूर करती हूँ कि जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पूछा गया है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसका समावेश मैं इसमें कर सकूं। यदि आप अंत तक पूरे वीडियो को देखेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं जितने भी विषय पे जो चर्चा कर रही हूँ वो आपके लिए कितने फायदे का है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए इतिहास के जितने भी विषय पे मैंने अपने वीडियोस अपलोड किए हैं, तो ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि मैं बहुत कम ही समय में जितने भी इम्पोर्टेंट बिंदु होते हैं उसको मैं इसमें डालने का प्रयास करती हूँ, ताकि कम समय में ही यदि कोई रिवीजन भी करना चाहे इन टॉपिक्स पे तो वो कर सकता है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस था उसको क्यों बुलाया गया था, उसको बुलाने के पीछे क्या वजह या उद्देश्य रहे थे, जो बिग फोर थे स्पेशली अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस और इटली, इसके राष्ट्राध्यक्षों की क्या भूमिका रही थी, दो परिषद रहे थे जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था पूरे सम्मेलन के दौरान, जितनी भी बैठकें भी होती थी, जैसे जो बैठक होते थे एक दिन में दो बार भी बैठकें हुआ करती थी जिसमें कि महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे कि आखिर में शर्तों का क्या रूपरेखा तैयार किया जाए। इन सभी में भी हम देखते हैं कि जो बिग फोर थे उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अब यदि पेरिस पीस शांति सम्मेलन के शर्तों की या सूत्रों की बात की जाए, जिसको हम वुड्रो विल्सन के 14 सूत्र के नाम से भी जानते हैं, तो ये यहाँ पे कहा जा सकता है कि ये वुड्रो विल्सन का ही शायद प्रयास रहा था जिसके वजह से जितने भी 14 सूत्र थे उसको बनाया भी गया या लिखा गया, और साथ ही साथ बाकी अन्य जितने भी राष्ट्र थे उनको भी वो बांधने का एक साथ में काम भी किए थे कि किस प्रकार सभी को जोड़ करके एक साथ में एक रूपरेखा तैयार की जाए ताकि विश्व में शांति की बहाली की जाए। यदि हम पूरे पेरिस पीस जो कॉन्फ्रेंस है यदि उसकी चर्चा करते हैं, तो यहाँ पे वुड्रो विल्सन को इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और उनको याद भी किया जाता है उनके शांति प्रयासों के लिए, क्योंकि शुरू से ही हम ये देखते हैं कि अमेरिका का जो फॉरेन पॉलिसी रहा था वो पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी रहा था, जिस वजह से वुड्रो विल्सन यहाँ पे चाहते थे कि जितने भी राष्ट्र हैं या वो विजित हो या पराजित हो सभी के बीच में शांति की स्थापना की जा सके। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं वुड्रो विल्सन के उद्देश्यों के विषय में, तो ये देखा जा सकता है यहाँ पे कि उनका प्रयास मूलतः जितने भी उनके उद्देश्य रहे थे वो शांति बहाली की ही रही थी। अब जितने भी उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो वुड्रो विल्सन का जो उद्देश्य रहा था वो रहा था सर्वप्रथम कि शांति बहाली के लिए एक ऐसा संघ हो अंतर्राष्ट्रीय तौर पे जो शांति बनाए रखने का कार्य करेगा, और इसी उद्देश्य से राष्ट्र संघ की स्थापना भी की गई थी। दूसरा जो इनका उद्देश्य रहा था वो शांति स्थापना का रहा था और वो जुड़ा हुआ है राष्ट्र संघ के स्थापना के साथ में ही। तीसरा जो था उनका उद्देश्य वो ये रहा था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था और इसके पूर्व भी उपनिवेशवाद का दौर रहा था और बहुत सारे देश जो शामिल हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो उपनिवेश के तौर पे ही औपनिवेशिक देश रहे थे वो इसमें शामिल हुए थे, तो यहाँ पे वुड्रो विल्सन का ये प्रयास रहा था कि जितने भी उपनिवेश हैं वहां की जो जनता है उनकी भावनाओं का कद्र किया जाए और उनकी बातों को सुन करके ही और उनके भावनाओं को कद्र करते हुए जितने भी सीमा का जो निर्धारण है उसी अनुसार किया जाए। जो चौथा हम देखते हैं वो पीड़ित देश के अग्रदूत के तौर पे नजर आते हैं वुड्रो विल्सन, क्योंकि वो उनका लगातार प्रयास रहा था जर्मनी जिसने शायद युद्ध को स्टार्ट ही किया था प्रारंभ किया था
उसके तरफ भी उनका झुकाव रहा था कि किसी प्रकार वो बहुत अधिक प्रताड़ित नहीं हो या वो बाद में इस तरह से कोई विरोध का स्थिति नहीं उत्पन्न हो, इससे वो जर्मनी के साथ में भी कहीं ना कहीं दिखते हैं कि किस प्रकार से जर्मनी की भी भावनाओं का कद्र यहाँ पे किया जाए। उसके साथ में उसके अलावा जितने भी अन्य राष्ट्र जुड़े हुए थे जर्मनी के साथ में, उनकी भी मांगों का ध्यान इनके द्वारा रखने का प्रयास किया गया था। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो वुड्रो विल्सन के जो सूत्र थे या पेरिस शांति सम्मेलन की जितने भी बिंदुओं पर चर्चा की गई थी या शर्तें रखी गई थी, उसको वुड्रो विल्सन के 14 सूत्र के नाम से भी हम जानते हैं। अब मैं एक एक करके यहाँ पे आपसे उल्लेख करूंगी कि आखिर में ये 14 सूत्र कौन कौन से रहे थे। सर्वप्रथम जो पहला जो सूत्र रहा था वो रहा था कि जितने भी अप्रत्यक्ष जो संधियां रही थी उनको समाप्त करना और उसकी जगह पे जितनी भी प्रत्यक्ष संधियां हैं उनकी स्थापना करना। जैसा कि मैंने आपसे अपने वीडियो में जो दिया था, मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे उस पर मैंने चर्चा की थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बहुत बड़े एक महत्वपूर्ण कारणों में से रहा था कि बहुत सारी गुप्त संधियां राष्ट्रों के बीच में हुई थी, जिसके वजह से शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई थी। और इसी को रोकने के लिए वुड्रो विल्सन का ये प्रयास रहा था कि जितनी भी अप्रत्यक्ष संधियां थी उसको समाप्त किया जाए। दूसरा जो हम देखते हैं कि जितने भी राज्य थे उनको समान अधिकार व्यापार के क्षेत्र में देने का उनका प्रयास रहा था कि जितने भी राष्ट्र थे किसी भी प्रकार से उनको व्यापार के लिए रोका नहीं जा सके, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं थी या समुद्री मार्ग थे उनसे रास्ता दिया जाए और सभी जितने भी देश शामिल हुए थे इस सम्मेलन में उनको एक प्रकार एक समान जो है उनको दिया जाए अधिकार व्यापार करने के लिए। तीसरा जो सूत्र रहा था वो रहा था युद्ध एवं शांति का, जिसमें कि हम देखते हैं कि जितने भी जो समुद्री मार्ग रहे थे वहां की स्वतंत्रता की बात इन 14 सूत्रों में की गई थी। इसके अनुसार कि था जितने भी युद्ध का स्थिति हो या शांति के स्थिति में, दोनों ही समय में जो समुद्री मार्ग है उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखना, ये इसका तीसरा सूत्र रहा था पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का। नेक्स्ट जो हम आते हैं कि जो फोर्थ जो सूत्र रहा था पेरिस शांति सम्मेलन का, वो ये रहा था कि बहुत सारे ऐसे राष्ट्र थे, जैसा कि मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण में भी बताया था कि शस्त्रों का एक होड़ बन गया था राष्ट्रों के बीच में और वो लगातार ज्यादा से ज्यादा शस्त्रीकरण की तरफ राष्ट्रों का झुकाव हो गया था। ज्यादा से ज्यादा जितने भी राष्ट्र थे वो शस्त्रों को इकट्ठा कर रहे थे, तो यहाँ पे उनका ये प्रयास रहा था कि जो शस्त्रों में कटौती की जाए, एक निर्धारण किया जाए कि जितने भी राष्ट्र थे सम्मिलित युद्ध में उनको शस्त्रों के होड़ से रोका जाए और बहुत अधिक शस्त्रों का संग्रह भी नहीं हो सके। नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि उनका रहा था पांचवा जो सूत्र रहा था वो ये रहा था कि जितने भी जो उपनिवेश हैं वहां पे जो लोग थे उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सीमा का निर्धारण करना और उनके साथ में कैसा व्यवहार हो, इसकी भी चर्चा यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट जो आता है हमारा कि जो रूस है, रूस से सेना का निष्कासन जो है वो निश्चित किया गया था और रूस के स्वतंत्रता की या पूर्ण स्वतंत्रता की बात यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट जो सूत्र रहा था वह था कि बेल्जियम, जहां से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में जर्मनी सबसे पहले वहां प्रवेश करने का प्रयास भी किया था, तो यहाँ पे ये प्रयास किया गया था इस सूत्र के अधीन कि जर्मनी जितनी भी उसकी सेना है उसे वो बेल्जियम से हटा ले। नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया और हंगरी, जो हमेशा ही जर्मनी के साथ प्रारंभ से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय बना रहा था, उसकी स्वायत्तता की और स्वतंत्रता की बात भी इस सूत्र में की गई थी। तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से जर्मनी जो गलत कार्य कर रहा था या सेना का जो वहां पे उसका एक हम कह सकते हैं कि टुकड़ी जो रहा था बेल्जियम में, वहां से उसे हटाना निश्चित किया गया। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया और हंगरी जो शुरू से ही या प्रारंभ से जर्मनी के साथ रहा था उनके स्वायत्तता और स्वतंत्रता की बात यहाँ पे की जाती है। नेक्स्ट जो है जितने भी जो हम कह सकते हैं उस समय में जो सर्बिया और उसके आसपास के जितने भी जो देश थे या जो बाल्कन जो प्रदेश के पास में जितने भी क्षेत्र थे, जैसे रोमानिया हो गया और सर्बिया, यहां से सेना का निष्कासन किया गया था और सर्बिया के स्वतंत्रता की बात की गई थी। तो ये भी सर्बिया भी जो है वो शुरू से हम देखते हैं कि वो रहा था रूस के साथ में और रूस के साथ में होने के साथ में ही यहाँ पे जो है सर्बिया को भी ये स्वतंत्रता की बात यहाँ पे की जाती है। नेक्स्ट जो है जो एलसेस और लॉरेन, जो बहुत ही प्रमुख क्षेत्रों में से है फ्रांस का, जहां से इसका सबसे अधिक व्यापार भी होता है,
ये निश्चित किया गया था कि फ्रांस को जो है वापस एल्सेस और लॉरेन का जो क्षेत्र रहा था वो उसे दे दिया जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो तुर्की साम्राज्य, जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बात की थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के परिणामों में ये रहा था कि जो तुर्की का विखंडन वो कर दिया गया था, ताकि ये सुनिश्चित करने के लिए कि जितने भी वहां से जो व्यापार है वो हो सके, और उसको कमजोर करने का प्रयास भी था एक। तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है जो नेक्स्ट सूत्र ही है पेरिस शांति सम्मेलन का, जो तुर्की साम्राज्य था उसके इस्लामिक जितने भी स्टेट्स थे उसकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता की बात की जाती है, और जो डार्डनेल्स का और बॉस्फोरस का जो स्ट्रेट रहा था जहां से रूस जो है अपना अधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वही एक सिर्फ मार्ग था जहां से वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अन्य देशों के साथ में कर सकता था। तो यहाँ पे ये सुनिश्चित किया गया था कि दोनों ही जो स्ट्रेट्स थे, डार्डनेल्स का और बॉस्फोरस का स्ट्रेट, इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, और एक प्रकार से यहाँ पे प्रयास किया गया था कि इस क्षेत्र से कोई भी देश अपना व्यापार कर सकता है। नेक्स्ट हमें यह देखने को मिलता है कि जो इटली है उसका यहाँ पे सीमा निर्धारण किया गया था। इटली के साथ में लगातार हम देखते हैं कि उसको क्षेत्रों को लेकर के विवाद रहा ही था देशों के बीच में, तो यहाँ पे इटली के जो सीमा का जो निर्धारण है उसको यहाँ पे स्थापित करने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एक सूत्र आता है वह है कि पोलैंड जो रहा था उसको स्वतंत्र राज्य का एक स्टेटस दिया गया था। दूसरा हमें यह देखने को मिलता है कि पोलैंड को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, जितने भी उसके सटे हुए क्षेत्र थे समुद्री तट से उसको भी स्वतंत्र कर दिया गया था। तो एक प्रकार से यहाँ पे यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया था कि पोलैंड को किस प्रकार से आर्थिक तौर पे मजबूत या एक हम कह सकते हैं स्थायित्व प्रदान किया जा सके। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं जो सूत्र रहा था पेरिस शांति सम्मेलन का, वह रहा था राष्ट्र संघ की स्थापना। जैसा कि मैंने आपसे अपने वीडियो में जिसमें मैंने डाला था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या परिणाम रहे थे, तो इसमें मैंने आपसे बात की थी कि एक सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि परिणाम जो अच्छे तौर पे या बहुत अच्छा जिसका एक परिणाम निकल करके आया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, वो राष्ट्र संघ की स्थापना थी। राष्ट्र संघ की स्थापना में बहुत अधिक योगदान वुड्रो विल्सन का रहा था। उनका यह मानना था कि राष्ट्र संघ के स्थापना के साथ में पूरे विश्व में शांति की बहाली की जा सकेगी, और इसी उद्देश्य से राष्ट्र संघ की स्थापना भी की गई थी। हालांकि हमें ये देखने को मिलता है कि राष्ट्र संघ अपने कार्यों और उद्देश्यों में जो उसका रहा था कि राष्ट्रीयकरण का बहुत अधिक उसको बनाए रखना या शस्त्रों के होड़ को रखना, आपसी जितने भी समझौते थे उसको बनाए रखना, परंतु शांति की बहाली करना, परंतु यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें वो विफल ही साबित हुआ था। और राष्ट्र संघ की एक ही हम कह सकते हैं कि सफलता यहाँ पे रही थी कि कुछ वर्षों के लिए ही सही, परंतु वो नेक्स्ट जो फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, उसको टालने में उसको सफलता मिली थी। तो यहाँ पे ये जरूर कहा जा सकता है कि राष्ट्र संघ के वजह से जो स्थापना हुई पेरिस शांति सम्मेलन का, शायद यही एक बहुत अच्छा परिणाम भी निकल करके आया था पेरिस शांति सम्मेलन का, कि राष्ट्र संघ के वजह से कुछ वर्षों के लिए ही सही, परंतु विश्व में शांति की बहाली की जा सकी थी। एक और अच्छा पक्ष जो निकल करके आया पेरिस शांति सम्मेलन का, वो ये जरूर रहा था कि जितने भी उपनिवेश थे वहां पे हम लोगों को परिवर्तन देखने को मिलता है, और एक प्रयास रहा था कि विजित और जो पराजित देश है दोनों के बीच में समानता का व्यवहार किया जा सके, परंतु ऐसा हुआ नहीं था। जो बिग फोर थे वो एकदम हावी रहे थे, स्पेशली बिग फोर में से ऑरलैंडो जो है और यहाँ पे आपका जो है लॉयड जॉर्ज, इनका बहुत अधिक दबाव रहा था वुड्रो विल्सन पे, और वुड्रो विल्सन के कुछ अपने चारित्रिक दोष भी रहे थे, या फिर हम यहाँ कह सकते हैं कि वो बहुत अधिक शांति के तरफ उनका झुकाव रहा था, जिसका फायदा अन्य जो थ्री रहे थे या थ्री जो बिग फोर में से जो थ्री थे उन लोगों ने इसका फायदा भी उठाया था। यहाँ पे सबसे अधिक यदि कोई दबाव बनाने का काम किया था विल्सन पे तो वो था ब्रिटेन और फ्रांस। दोनों ही हमेशा जब भी वुड्रो विल्सन शांति स्थापना की प्रयास करते थे या सभी देशों के जितने भी उनकी मांगे थी उसकी पूर्ति की प्रयास करते थे, उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए, परंतु लगातार ब्रिटेन और फ्रांस उन पे दबाव बनाए हुए था। और बाद में हम देखते हैं कि वुड्रो विल्सन दोनों ही ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों की कठपुतली भी बन गए थे। यहाँ पे ये जो है, बाद में हम ये भी देखते हैं कि पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान ही बहुत सारे जो देश थे जैसे जर्मनी, इटली और ग्रीस, इन लोगों ने जो शर्तें थी या जितनी भी संधियों की जो शर्तें थी उसकी अवहेलना भी प्रारंभ कर दिया गया था इनके द्वारा, और गुप्त संधियां भी यहीं से फिर से स्टार्ट भी हो गया था। जितना अगर वुड्रो विल्सन के विषय में यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं
तो ये जरूर कहा जा सकता है कि उसके चारित्रिक दोष तो जरूर रहे थे, परंतु एक और दूसरा भी वजह रहा था जिसके वजह से वुड्रो विल्सन बहुत अधिक अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाए थे। उसके पीछे यह कारण शायद रहा है, या हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि ये जो है इनका रहा था एक चारित्रिक दोष के साथ में बहुत बड़ा एक कारण, वो ये रहा था कि जो यूरोपीय राजनीति है उसे ये अनभिज्ञ थे। उन्हें नहीं मालूम था कि यूरोप का जो राजनीति है उससे कैसे इनको डील करना है या कैसे इनके साथ में वार्तालाप करना है ताकि वो अपनी मांगों को इनके ऊपर या उनका जो उद्देश्य था उसकी पूर्ति वो कर सके। यहाँ पे अगर पेरिस शांति सम्मेलन के विषय में बात की जाए तो ये जरूर कहा जा सकता है कि पेरिस शांति सम्मेलन के समय में या उसके बाद में वुड्रो विल्सन की भूमिका बहुत अहम जरूर रही थी, और शायद पेरिस शांति सम्मेलन को एक निष्कर्ष पे यदि पहुंच भी पाया था तो वुड्रो विल्सन के वजह से ही हो पाया था। जितने भी ब्रिटेन फ्रांस थे, यहाँ पे एक प्रकार से ये भी जो था कहा जा सकता है कि जितने जैसे जर्मनी जो थे वो कहीं ना कहीं बहुत सारे उसके क्षेत्रों को भी यहाँ पे अधिकार में लिया गया था, जिसके वजह से जर्मनी खुद बहुत अधिक दंडित महसूस करने लगा था और उसका झुकाव जो है फिर से तैयारी के तरफ हम कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हो गया था। पेरिस शांति सम्मेलन अगर पूरे विश्व के इतिहास में यदि हम इसके महत्व की बात करते हैं तो ये यहाँ पे जरूर कहा जा सकता है कि ये पेरिस शांति सम्मेलन पहला एक कोई ऐसा सम्मेलन था जो सही मायनों में शांति की स्थापना का प्रयास वुड्रो विल्सन के अधीन करने का प्रयास कर रहा था, परंतु स्वार्थों के कारण बहुत अधिक हम कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षाओं के कारण बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों का स्पेशली ब्रिटेन और फ्रांस के साथ हम कह सकते हैं कि पेरिस शांति सम्मेलन शायद जितना सफल होता वो उतना नहीं हो पाया था। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। स्टे कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू।